Good evening, student. Now listen, we are studying here about the chromosome because we study about the chromosomal basis of inheritance. मित्रांनो आपण आज क्रोमोझोमच्या आधारे कसं अनुवंशिकता नियंत्रित होते याच्याविषयी माहिती घेणार. मग सर्वात पहिला प्रॉब्लेम इथे, क्रोमोझोम म्हणजे काय हे नाव शोधलं कोण? क्रोमोझोम हे नाव वॉल्डियरनं 1888 मध्ये सर्वात पहिले यूज केलं. सर्वात पहिले क्रोमोझोम ये नाम सबसे पहिले वॉल्डियरने 1888 में यूज किया. क्रोमोसोम का मीनिंग क्या होता है? जोमा का मतलब होता है बॉडी और क्रोमो का मतलब होता है कलर. उसने सबसे पहले सेल डिवीजन में न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे ऑब्जर्व किए जो कंडेंस होने के बाद लंबे लंबे धागों में कन्वर्ट हो गए सेल डिवीजन होते वक्त, और उस धागों को वॉल्डियर ने नाम दिया क्रोमोसोम. अब ये क्रोमोसोम जो है ये और स्टडी करने के बाद ऐसा मालूम गिर गया कि ये धागे नियर अबाउट 1 माइक्रोमीटर से लेके 33 माइक्रोमीटर इतने लंबे रहते हैं और इनकी थिकनेस विड्थ उसकी 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 2 माइक्रोमीटर तक रहते हैं. केमिकली अगर इसको टेस्टिंग, क्योंकि एनालिसिस किया गया इसका कि ये बना कैसा, तो फिर समझ में आया कि ये डीएनए से हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना. मगर पहले तो ये मालूम नहीं था, पहले तो सिर्फ ये मालूम हो गया कि जब दो क्रोमोसोम अलग होते हैं वो मियोसिस में होते हैं. ये किसके साथ लेके जा रहे थे मालूम है? मेंडेल के साथ, क्योंकि मेंडेल ने भी ऐसा कुछ बताया था कि कुछ ऐसे फिजिकल यूनिट है, हेरिडिटरी डिटरमीन है, कि जो क्या करते हैं अलग होते हैं, और जब पोलन ग्रेन एग के साथ माने तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिरने के बाद मेल गैमेट के साथ फीमेल गैमेट फ्यूज होता है फर्टिलाइजेशन में, वैसे मिलते हैं. ये बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहे थे जैसा मेंडेल ने बताया था. इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने एक और स्टेप ले ली. कौन सी? कि मेंडेल के बातों को जो फॉलो कर रहे हैं वो फिजिकल डिटरमिन, यही तो कोई हेरिडिटी को कंट्रोल नहीं कर रहे. और इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर इसके ऊपर और रिसर्च आगे बढ़ा. फिर जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह का इन्वेंशन हुआ तब ध्यान में आ गया कि बहुत सारे डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉइल्ड होके धागा बन गया. ये धागा कॉइल्ड होके 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 6000 धागों का कंडेंस नेचर जो बन गया उसका नाम हमने क्रोमेटिड रखा, और उसके जो कॉइलिंग है उसका नाम क्रोमोमर या क्रोमोनिमा रखे जाएगा. ये क्रोमोसोम जब मेटाफेज में रहता है तब बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व होता है, क्योंकि मेटाफेज में मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, क्योंकि मेटाफेज में मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है. डिहाइड्रेशन से पूरा पानी निकल जाता है उसमें का. और फिर ये बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते आता है, तब इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया गया. ऑब्जर्व करते वक्त ये दिखा कि ऊपर के पार्ट का नाम टिलोमर रखा, इसको दो जगह पे पिचके वाला पार्ट रहा, जो मेन पिचके वाला पार्ट है उसका नाम रखा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. क्या नाम रखा? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. मीन्स क्रोमोसोम एट द मिडल शोज कंडेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, वाइल ऑन दिस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन देर इज अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट कॉल्ड काइनेटोकोर. ये देखिए मैंने इस एरो को दूर करके रखा है, ये है काइनेटोकोर ऊपर की प्लेट,
और वो पूरे पिचके वाला रीजन जो है उसका नाम है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसके बावजूद इसको और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन दो जगह पे मिलते हैं कुछ क्रोमोजोम में, क्योंकि हम अगर सभी क्रोमोजोम को एक लाइन में अरेंज करेंगे ऐसे, सबसे बड़ा ये इधर, फिर उससे छोटा, 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 और सबसे छोटा इधर और छोटा इधर, ऐसे अगर इसको एक लाइन में अरेंज करेंगे तो इसको कैरियोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैरियोटाइप। अब ये जो कैरियोटाइप का है तो इसको अरेंज करने के बाद ये बड़ा क्रोमोसोम में ही आपको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मिलेंगे, सभी क्रोमोसोम में नहीं मिलते हैं, ये ध्यान में रखना। अब मैक्सिमम कैरेक्टर को फॉलो करने वाला एक जनरल स्ट्रक्चर हमने यहां पे बनाया है, मैक्सिमम कैरेक्टर को फॉलो करने वाला जनरल स्ट्रक्चर बनाया हमने, यानी कि एक जनरल आइडिया देता है कि क्रोमोसोम बना कैसा है। तो क्रोमोसोम बना है दो क्रोमेटिड से, आपको पढ़ाया था, ये कॉइल्ड हो गए तो फिर उसका नाम रखा क्रोमोमर, और क्रोमोनिमा यही कॉइल स्ट्रक्चर का नाम, एक्स्ट्रा कॉइलिंग होता है तो फिर उसको ये क्रोमोनिमा के बनते सिलेनोइड, और सिलेनोइड का पहले तो क्रोमेटिन का कॉइलिंग, जो कॉइलिंग के फोल्ड है उसका नाम क्रोमोनिमा या क्रोमोमर, और वो कॉइलिंग अगर कंडेंस होकर एक धागा बन गया तब उसका नाम सिलेनोइड, और कंडेंस हो गया तब उसका नाम क्रोमेटिड, और दो क्रोमेटिड बराबर बीच में जोड़ने के बाद जो कुछ तैयार हो गया उसका नाम क्रोमोसोम। यहां पे एक शेप क्रोमोसोम बताया है, ये जो ऊपर का कवर है उसका ये इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये शीद के शरीर का नॉन हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन का इन्वॉल्व है, किसको लगे वाला, सॉरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन का, हिस्टोन प्रोटीन अंदर रहते हैं, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन का इन्वॉल्व है, इसका नाम हमने मैट्रिक्स रखा। इसका ऊपर का एंड है उसका नाम है टिलोमर, इसके ऊपर के एंड का नाम बताया मैंने टिलोमर, और नीचे जो दूसरे नंबर का कंस्ट्रिक्शन है यहां पे न्यूक्लियोलस तैयार होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर ये नाम इसको दिए जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। और इसके नीचे एक छोटा सा पोर्शन रहता है, इसका नाम है सैटेलाइट, जैसे कि एक छोटा सा टुकड़ा अलग हुए वाला है, वैसी कंडीशन। ये है क्रोमोसोम, इसके डायमेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम 0.1 मिली माइक्रोमीटर से लेके 33 मिली माइक्रोमीटर इतना लंबा रहता है, माने तो कुछ इसमें वो 0.1 का रहेगा, तो कुछ प्राणियों में वो 0.1 का लेके तो 33 माइक्रोमीटर तक का रहेगा, और उसकी विड्थ जो है म्हणजे याची जाड़ी, हे जाली लांबी म्हणजे लेंथ इसकी, और ये हो गई विड्थ इसकी, ये है इसकी आड़ी, ये है 0.222 माइक्रोन, इतना माइक्रोमीटर सॉरी इतना थिकनेस रहता है। केमिकली कैसे बना है मैंने बताया, ये डीएनए से बना है, हिस्टोन प्रोटीन से और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है जनरेशन टू जनरेशन, इट कैरीज जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। अब ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हमने आपको बताई है कि ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, माने तो बिल्कुल ग्रेगर जॉन मेंडेल के शरीर का, कैसा कि दो गैमिट मिलना जरूरी है, नहीं तो इंडिविजुअल बनेगा नहीं, और अलग होना जरूरी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नहीं तो डबलिंग होगा, दो हाथ के बजाय चार हाथ चार पैर आएंगे, ये मैंने पढ़ाया था। ये बिल्कुल उसी बात को फॉलो करते थे जब मियोसिस की स्टडी हुई तब ध्यान में आया, जब मियोसिस की स्टडी हुई तब ध्यान में, और ये तो बिल्कुल बराबर ग्रेगर मेंडेल के कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बराबर ग्रेगर मेंडेल के कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी रखी गई, काय की इनहेरिटेंस की,
सुटॉन बाउरी ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया। आपकी किताब में उनका नाम नहीं है बोर्ड के, मगर सीबीएसई के बुक में। तो सुटॉन बाउरी ने इसके ऊपर वर्क किया, उन्होंने यही बताया कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन लीनियर फैशन में रहते हैं। लीनियर फैशन माने तो ये बी सी ये ऐसे एक लाइन में रखे वाले जीन रहते हैं, और ये क्रोमोसोम ही सभी बातों को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए हमको क्रोमोसोम के बारे में ही ज्यादा मालूमात लेना जरूरी है। क्रोमोसोम के बारे में बताया था कि ये दो क्रोमेटिड से बना है, दो क्रोमेटिड एक जगह पे पिचके है, नाम है बड़ा पिचके वाला पार, नाम है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्रोमोसोम्स आर मेड फ्रॉम टू क्रोमेटिड्स विच गेट यूनाइट एट द मिडल बाय द कंडेंस यूनिट कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, while on that condensed unit there is a plate called as kinetochore। ये पूरा भाग जो है वो है सेंट्रोमियर, और उस भाग के ऊपर की प्लेट माने तो ये ऐसा पिचके वाला यहाँ पे, और ये इसके ऊपर की प्लेट यहाँ की, ये पिचके वाला ये यहाँ पे, ये ऐसा पिचके वाला यहाँ पे, और यहाँ की प्लेट जो है उसका नाम काइनेटोकोर। इसी प्लेट को तो स्पिंडल फाइबर अटैच होते है, ऊपर से कंटिन्यूअस एक रहते हैं सेल को रिजिडिटी देते हैं, और एक डिसकंटिन्यूअस जो क्या करते हैं क्रोमोसोम को पकड़ के रखते हैं। उसको हमने एक और नाम भी दिया था, अगर अच्छी तरह से याद होगा तो, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, या तो फिर एनिमल की सेल है तो एस्ट्रल फाइबर, हाँ ध्यान में रखना, मगर डिसकंटिन्यूअस उसको क्रोमोसोमल फाइबर भी बोल सकते हैं। वो इस काइनेटोकोर से एक इधर और एक इधर ऐसा लगे वाला रहता है, और इसको बराबर मेटाफेज के दौरान ये पकड़ के रखते हैं सेंटर में। अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा है तो आपको ये याद आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। अब इसकी जो डायग्राम है कि कंडेंसेशन कैसा होता है, ये डायग्राम किताब से लेके आपको मैं इस वीडियो के आखिरी में एक फोटोग्राफ में बता दूंगा, ताकि आपको और परफेक्शन समझ में आएगा। वीडियो को क्या नहीं करते आता, जूम नहीं करते आता है, मगर उस डायग्राम को जूम करके आप एक एक पार्ट को अच्छी तरह से देखेंगे कि डीएनए कैसा रहता है, डायग्राम के जरिए आपको वहां पे समझाया जाएगा। अब दूसरी कंडीशन है क्रोमोसोम, कोई भी इंडिविजुअल में क्रोमोसोम का फिक्स नंबर रहता है, और वो फिक्स नंबर उस जाति के या उस प्राणी के पूरे जाति के ऑर्गेनिज्म में सेम रहता है, बिल्कुल उतना है। अगर मेरे में 46 क्रोमोसोम ना है तो सवाल ही नहीं, मेरे बेटे में भी रहेंगे, आप में भी रहेंगे, हर ह्यूमन बीइंग में 46 रहेंगे, और उसके आधे क्रोमोसोम हम बोलेंगे 23। ये जो बेसिक नंबर रहता है कोई भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का, उस बेसिक नंबर के मल्टीपल में जो आते हैं उसको नाम दे दिया the degree of repetition of the primary basic number of chromosome in a cell is called ploidy, is called ploidy। पहले बेसिक नंबर हमारा कितना है 23, उसके मल्टीपल में अगर मेरे में 46 है तो मैं डिप्लॉइड हूं, और मैंने आपको बताया था कि गैमिट हैप्लॉइड रहते हैं, एक एक लेके जाते हैं, और जब मिलते हैं तब डिप्लॉइड होते हैं, डबल होते हैं अलेल, याद होगा तो। अगर वो मेंडल थोड़ा समझ में आया होगा, बिल्कुल उस मेंडल को कंट्रोल कर कवर कर रहे हैं, इसी वजह से अब हम मेंडल के तरफ से निकल के आज के रिसेंट ईरा में जेनेटिक्स क्या बोल रहा है उसके तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब ये प्राइमरी बेसिक नंबर जो क्रोमोसोम का रहता है उसको हमने बताया प्लॉइडी, प्लॉइडी के दो टाइप है। अगर नॉर्मल मल्टीपल है, प्राइमरी बेसिक नंबर है और उसका मल्टीपल है तो हो गया यूप्लॉइडी, मगर उसमें कम ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा या लेस नंबर होता है तो हम उसको बोलते हैं अनयूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मींस द मल्टीपल ऑफ नॉर्मल बेसिक नंबर, और बेसिक नंबर मल्टीपल इज कॉल्ड यूप्लॉइडी, बेसिक मल्टीपल ऑफ नंबर इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। इफ अदर देन बेसिक नंबर माने तो डेविएशन कम या ज्यादा, तब हम बोलेंगे अनयूप्लॉइड। म्हणजे सरल शब्दात सांगायचं, जो एक प्रमुख जोडा आपला एक नंबर असते म्हणजे आकडा असते क्रोमोसोमचा, त्याच्या गुणेत जर असतील म्हणजे दुप्पट तिप्पट
तर त्याला म्हणायचं युप्लॉइड. पण जर त्याच्या दुप्पट एक शिल्लक लगाचा मग त्याला म्हणायचं अनयुप्लॉइड. ही एक कमी तरी तो इन अनयुप्लॉइड पक्क लक्षात ठेवायचं. म्हणजे आता युप्लॉइडी अनयुप्लॉइडी झाली. पॉलिप्लॉइडीचे अजूनही दोन टाईप आहेत मेन. कोणचे? एक युप्लॉइडी अनयुप्लॉइडी. प्लॉइडीचे पॉलिप्लॉइडी नाही सॉरी हा युप्लॉइडी आणि अनयुप्लॉइडी. म्हणजे नॉर्मल सेट असेल क्रोमोझोमचा तर युप्लॉइडी, ऍबनॉर्मल असेल तर अनयुप्लॉइडी. आणि युप्लॉइडीचं जर एकच सेट असेल तर मोनोप्लॉइड किंवा हॅप्लॉइड. दोन सेट असतील तर डिप्लॉइड आणि त्या दोन पेक्षा जास्ती असतील तर पॉलीप्लॉइड. मग ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटॅप्लॉइड, हेक्झॅप्लॉइड जेवढं लिया वाटीन तेवढं लिया रे बा. हेप्टॅप्लॉइड पर्यंतही जात आहेत. आणि जर समजा या अनयुप्लॉइडीमध्ये एखादा क्रोमोझोम कमी होत असेल तर याला हायपोप्लॉइडी म्हणतात. अनयुप्लॉइडीमध्ये एखादा क्रोमोझोम कमी होत असेल तर त्याला हायपोप्लॉइडी म्हणतात. आणि एखादा क्रोमोझोम वाढत असेल तर त्याला हायपरप्लॉइडी म्हणतात. म्हणजे एक क्रोमोझोम सेट नाही, पक्क लक्षात ठेवा, पक्का ध्यान में रखना, पूरा सेट नाही बेटा. एक क्रोमोझोम अगर बढता एक सिंगल, मेरे में 23 है तो 24 आने चाहिए हैप्लॉइड में. तो एक अगर बढ़ गया तो हम बोलेंगे क्या? हाइपरप्लॉइडी. और एक अगर कम हो गया तो क्या बोलेंगे? हाइपोप्लॉइडी. प्लॉइडी के अनयुप्लॉइडी के दो टाइप. नॉर्मल सेट में एक क्रोमोसोम ज्यादा तो हाइपरप्लॉइडी, एक दो तीन कितने भी रह सकते तो हाइपरप्लॉइडी. अगर एक दो तीन कम तो हाइपोप्लॉइडी. हाइपो लेस, हाइपर मोर, इतना ध्यान में रखा तो भी बहुत होता है. ये देख लीजिए याद रखने के लिए इसको ऊपर और इसको मैं नीचे ऐसा एरो करके बता देता हूं. अब हाइपोप्लॉइडी में अगर एक क्रोमोसोम कम है, माने तो मेरे में 46 क्रोमोसोम आने चाहिए आते ही है जनरली 99% आते हैं, मगर एक आधे इंडिविजुअल में मियोसिस में क्रोमोसोम जब अलग होते हैं तो अलग होते होते जो स्पिंडल फाइबर जो है दो क्रोमोसोम के आधे उधर भेजता है, उधर माने तो ऊपर के पोल पे, और आधे नीचे भेजता है, और देवर पाठवून देणे अर्धे खाली, तर ते स्पिंडल फायबर ओढता ओढता काय होते माहिती आहे का? अर्धे ओढता ओढता त्यातला एक ओढल्याच जात नाही. म्हणजे एका इकडे एक कमी येते तर एका इकडे एक जास्ती चालला, ते दोघोचे दोघे तिकडे चालल्या, दोनों के दोनों उधर चल जाते, या एखादा जाता ही नहीं एक तरफ. ऐसी कंडीशन अगर होती है माने तो ओल्ड एज में होता है. जो कंडेंस होने वाले स्पिंडल फाइबर है ये ओल्ड एज में अपनी इलास्टिसिटी खो देते है. म्हणूनच 40 वर्षानंतर मुलगा होणं बरोबर नाही, कारण त्याच्यात प्रॉब्लेम येतात. आलं लक्षात? म्हणूनच फॅमिली प्लॅनिंग नावाच्या प्रकारात 25व्या वर्षीच लग्न का करायचं हा प्रकार पुढे शिकवणार. कारण मी क्रोमोझोमल ऍबनॉर्मॅलिटीज पुढे शिकवणार, क्रोमोझोमच्या मुळे येणाऱ्या ऍबनॉर्मॅलिटीज. फक्त एक लक्षात ठेवा की हा क्रोमोझोम जर समजा एक कमी आला तर नाव दिलं पाईस एन मायनस वन मोनोझोमी. म्हणजे 46 मायनस वन पाईस एन म्हणजे माझे 46, यातला एक गेला तर 45. हा 45 नंबरचा जर क्रोमोझोम आला तर मी एक्स वाय एकचे बाकीचे 22 आलं लक्षात. आणि हे एक्स एक्स क्रोमोझोम, एक्स अन वाय म्हणजे हे एक पेअर, हे 22 जोड्या, ये 22 पेयर और एक अकेली अलग पेयर, इसको मैंने 23 पेयर बोल दिया. तो ये जो अलग है इसको हम हेट्रोसोम बोलते हैं. क्या नाम बताया बेटा मैंने? हेट्रोसोम. जो क्रोमोसोम नर और मादा में सिमिलर रहते हैं, मेल और फीमेल में सिमिलर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एलोसोम या होमोसोम या सोमेटिक क्रोमोसोम. एलोसोम, होमोसोम या सोमेटिक क्रोमोसोम ध्यान में रखना है, ठीक है? या सॉरी माफ करना, एटोसोम, सोमेटिक क्रोमोसोम और होमोसोम. और जो डिफरेंट रहते हैं उसका नाम क्या बताया? हेट्रोसोम, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम. हेट्रोसोम, सेक्स क्रोमोसोम
या एलोजोम, लड़की में रहते हैं एक्स एक्स ये पेयर, लड़के में रहता है एक्स और वाई पेयर, माने तो ये पेयर अलग रहती है, नर और मादा में ये अलग अलग रहती है, इनको हम अलग अलग वालों को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि अलग है इसीलिए उसका सेक्स वैसा है, वो लड़की है, इसमें ऐसा है इसलिए वो लड़का है, ये कंडीशन। और अगर बाकी मगर लड़का लो लड़की लो, हाथ पैर कान नाक आंख बाकी सब शरीर के पार्ट लड़के और लड़की में सरीके रहते हैं, बाकी सब पार्ट सरीके रहते एक्सेप्शन सेक्स ऑर्गन, वो लड़के में और लड़की में अलग रहते हैं। अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला हेट्रोजोम, या तो उसको हमने नाम रखा एलोजोम, हेट्रोजोम या एलोजोम या सेक्स क्रोमोजोम, क्योंकि वो सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लड़के में अलग और लड़की में अलग, और जो बाकी हाथ पैर कान नाक इस सोमेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इसका नाम एटोजोम सोमेटिक क्रोमोजोम या होमोजोम, ये सिमिलर रहती है दोनों में। अब आगे और चले जाते हैं थोड़ा सा सेक्स क्रोमोजोम की, इसमें मैंने बताया कि एक्स्ट्रा अगर आता है बेटा यहां पे, अगर ये कम आता है तो इसको नाम बताया मैंने मोनोजोमी, अगर दो कम आते हैं तो नलियोजोमी। और मोनोजोमी का एग्जाम्पल है ऐसी लड़की की जो बड़ी तो है मगर उसमें ये नॉर्मल रहती है लड़की, मगर इसका एक प्रॉब्लम रहता है, इस लड़की में बच्चे पैदा करने की क्षमता बाकी लड़कियों के तुलना में 30% ही रहती है। यही नहीं तो ये ताड़ के सरीकी बढ़ेंगी, मेमोरी ग्लैंड इस लड़की के बराबर बढ़ते नहीं है, वो है 45 वाला। और ये आगे आने वाला है क्योंकि मेरे को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पढ़ा नहीं है कि क्रोमोसोम के नंबर से क्या क्या होता है, हम इसको कौन सा एक जीरो किनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, ये सब पढ़ेंगे। और एक इंटरेस्टेड बात, नलियोजोमी के इसमें दो कम होते हैं, माने तो 44 ही आएंगे, कितने आएंगे 44 ही आएंगे। ट्रायोजोमी में बढ़ता है क्योंकि हाइपरप्लॉइडी है, माने तो 46+1 हो जाता है, तो 47 ये बच्चा मतिमंद आता है या फिर XXY वो छक्का जो रहता है वो, क्लियर हुआ क्या? ये दोनों भी सिंड्रोम आगे आने वाले हैं, इसका ध्यान में रखना। और ट्रायोजोमी मगर दो क्रोमोसोम ज्यादा आते हैं तो टेट्रायोजोमी। अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बताया था, जहां पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पिचके वाला है वहां पे न्यूक्लियोलस लगे वाला रहता है, और उसके नीचे छोटा सा जो पार्ट है उसका नाम सैटेलाइट बोलते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। हमने अगर सभी क्रोमोसोम एक लाइन में खड़े कर दिए, सबसे बड़ा इधर और सबसे छोटा इधर, तो इस बड़े क्रोमोसोम में प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन रहता है, हाँ प्राइमरी सभी में रहता है, सभी क्रोमोसोम में। और इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के ऊपर हमने क्रोमोसोम के अलग अलग टाइप किए हैं, मैंने पिछले लेक्चर में पूछा था कि कौन से टाइप है, और इसके टाइप आपको कौन से इसमें वो एक्टिविटी में पूछे वाले, मेटासेंट्रिक है और बीच में मैंने सिर्फ सब लिखा है डिटेल नहीं, उसके बाद एक्रोसेंट्रिक लिखा है, उसके बाद का भी मैंने बराबर लिखा नहीं, वो आपको लिखना है, ठीक है, एक्टिविटी बुक में भरना है कि सेंट्रोमियर अगर बराबर बीच में है, उसके दोनों आर्म इक्वल है तो वो हो गया कौन सा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एग्जैक्ट मिडल में तो मिजोसेंट्रिक, थोड़ा सा म्हणजे मामूली काही ते नाव पुढे मागे पुढे असेल तर मग मेटासेंट्रिक, पण जर समजा थोडं जास्ती वर खाली असेल तर सब मेटासेंट्रिक, पण पूर्ण मधाच्या वर असतील म्हणजे एक आर्म मोठा आणि एक लहान तर मग त्याचं एक नाव आहे, आणि एकदम वरच असेल सेंट्रोमियर दोन्ही हात खाली असतील तर त्याचं एक नाव आहे, ते नाव तुम्ही शोधा पण मला रिप्लाय द्या की कोणते कोणते नाव तुम्ही शोधून काढले, ठीक आहे, निवड साधं कंडिशन इथं दिलेली आहे। आणि तेही लक्षात घ्या की जे कॉइल्ड झालेला डीएनए वो भी ध्यान में लो की जो कॉइल्ड हुएवाला डीएनए वो ज्यादा कॉइलिंग के वजह से ज्यादा कंडेंस हो गया तो इसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, और ये है हेट्रोक्रोमेटिन। अब मैंने यहां पे एक मिस्टेक करके रखी है, मैं आपसे एक्सपेक्टेड करूंगा कि ये मिस्टेक आप इमीडिएटली समझ में लेंगे, जानबूझ के की,
यूक्रोमेटिन माने तो कंडेंस नहीं फैले वाला क्रोमेटिन, और जो डेंस रहता है उसका नाम है हेट्रोक्रोमेटिन। फैले वाला जेनेटिकली ज्यादा एक्टिव रहता है, कौन सा? यूक्रोमेटिन, ये जेनेटिकली ज्यादा एक्टिव रहता है, और हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा पिछके जाने के वजह से लेस एक्टिव रहता है। मगर हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा डेंस कलर का रहता है और यूक्रोमेटिन डिस्क्रीट रहता है, कम डेंस रहता है। म्हणजे जास्ती घट्ट तो हेट्रोक्रोमेटिन तो जेनेटिकली एवढा एक्टिव नाही, अन जो कमी घट्ट फैललेला आहे त्याच्या डीएनए जास्ती बाहेर निघेला तो जेनेटिकली मोर ऍक्टिव्ह। कारण हे शब्द एक्स आणि वाय क्रोमोझोमचा जेव्हा मी फरक सांगेन तेव्हा तुम्हाला पुन्हा येतील, म्हणून त्या दृष्टिकोनातून युक्रोमेटिन आणि हेट्रोक्रोमेटिन हे शिकून दिल, पक्क लक्षात घ्या। क्रोमेटिन तेच आणि त्याचेच क्रोमेटिन कंडेन झाल्यावर क्रोमेटिड तयार होतात, क्रोमेटिनचेच कंडेन झाल्यावर क्रोमेटिड तयार होतात, आणि क्रोमेटिड मधात पिचकल्यानंतर त्याचे दोन हात तयार होतात, दोन हातासहित मधात पिचकलेल्या पार्टचा जो युनिट तयार झाला त्याचं नाव क्रोमोझोम। क्रोमोझोम सारे सारखे नसतात, सर्वात मोठा क्रोमोझोम इकडे आणि सर्वात लहान तिकडे, त्याला एका लाईनीत अरेंज करायचे आले, काय नाव दिलं? कॅरिओटाईप। काय नाव दिलं? कॅरिओटाईप, पक्क लक्षात ठेवा। काय नाव दिलं? कॅरिओटाईप, सर्वात लहान क्रोमोझोम, आणि त्याच्याहून मग नंबरिंग केलेला आहे। मग आपला सर्वात पहिले जो हातापायाचे क्रोमोझोम आहेत ते मी इकडे नंबर एक नंबर वर ठेवीन, मग हात पायाचे सर्वात मोठे एक नंबर वर ठेवले, नंतर दोन नंबर वर हाताचे ठेवले, सपोज दॅट समजासाठी तीन नंबर वाले म्हणजे मी काय करीन तर ते आपल्या याचे धरायचे समजा कानाचे, त्याच्यानंतर नाकाचे चार नंबर, आणि असं एक एक करत गेलं तर मग सर्वात शेवटी जे एकदम लहान लहान कॅरेक्टर आहेत त्याचे लहान क्रोम, आणि सर्वात शेवटी असतात कोणते? सेक्स क्रोमोझोम। कोणते असतात? सेक्स क्रोमोझोम, शक्यतोवर ते लहान असतात, म्हणून त्याचा नंबर 23वा। आणि या 21व्या नंबरवर जर एक्स्ट्रा क्रोमोझोम, कारण दोन दोन असतात प्रत्येक याच्यात डिप्लॉइड म्हणजे, पण एक्स्ट्रा जर 21व्या नंबरवर आला तर भाऊ ते ट्रायोझोमी, 23व्या नंबरवर जरी एक्स्ट्रा आला तरी ते ट्रायोझोमी, दोन जर आले तर टेट्रायझोमी, आणि एक जर कमी आला मोनोझोमी, पण ते हायपोप्लॉइडी आहे। एक्स्ट्रा जर असेल तर हायपरप्लॉइडी, आणि कमी जर असेल तर हायपोप्लॉइडी। एक्स्ट्रा जर असेल तर हायपरप्लॉइडी, इफ एक्स्ट्रा क्रोमोझोम विल बी देअर देन इट इज हायपरप्लॉइडी, इफ क्रोमोझोम विल बी लेस इन द नॉर्मल सेट देन इट इज कॉल्ड हायपोप्लॉइडी। हायपोप्लॉइडी इफ ओनली वन क्रोमोझोम इज लेस देन मोनोझोमी, इफ टू क्रोमोझोम्स आर लेस देन नलिओझोमी, बट इफ वन मोर क्रोमोझोम विल बी देअर इन द नॉर्मल सेट देन इट इज कॉल्ड ट्रायोझोमी, इफ टू क्रोमोझोम्स आर मोर देन इट इज कॉल्ड टेट्राझोमी। और पूरा सेट ही डबल है तो अरे भाई हमने उसको पहली बताया कि पूरा सेट अगर डबल हो रहा है तो यूप्लॉइडी है वो, सेट के बजाय एखादा क्रोमोझोम कम ज्यादा है तो हमने उसको नाम दिया था यूप्लॉइडी, मगर पूरा सेट ही डबल है तो यूप्लॉइडी, अगर डबल है तो डिप्लॉइड, टिबल है, चौबल है, पांचबल है, छबल है तो हम उसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइड, मोर देन डबल के बाद पॉलीप्लॉइड चालू होता है। एक ही सेट है हैप्लॉइड बोलते या मोनोप्लॉइड बोलते हैं, पक्का ध्यान में रखना है। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर ही बाद में मालूम गिर गया कि इसी के ऊपर जीन है, मगर पहले सेक्स डिटरमिन करने वाले क्रोमोसोम है, ये ध्यान में कर लेने की वजह से हमारे इसमें सेक्स क्रोमोसोम की मालूमात दी है। सेक्स क्रोमोसोम की इसमें एक है एक्स जो एकदम सीधा रहता है ऐसा, और दूसरा है वाई क्रोमोसोम जो बेंट रहता है ऐसा। अब इन दोनों क्रोमोसोम में जो नीचे का रीजन है, ये दोनों क्रोमोसोम में नीचे का रीजन है वो एग्जैक्ट सेम रहता है, उसको हम होमोलॉगस रीजन बोलते हैं, और ऊपर का रीजन जो है वो सेम नहीं, सिमिलर नहीं, उसको हम नॉन होमोलॉगस रीजन बोलते हैं। और क्रॉसिंग ओवर होता है तो इस होमोलॉगस रीजन में जनरली, क्योंकि ये बेंट हुए वाला पार्ट उड़ के थोड़े जाएंगा इधर, उधर वाले का पार्ट लेने के लिए। क्लियर हुआ? इधर का टुकड़ा उधर और उधर का टुकड़ा इधर, जो मैंने बोला था ना वो, इसका मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं, मैंने ये पढ़ाया था, हमारे आवाज का
अगर आदमी के आवाज का टुकड़ा जो क्रोमोसोम के ऊपर लगे वाला जीन है वो निकल के चले गया काय में, एक्स में, ये आदमी का वाई का टुकड़ा चले गया एक्स में, तो वो लड़की लड़के के शरीर की बोलती है। मैंने ऐसा बताया था, मगर वो अब आवाज का टुकड़ा होमोलॉगस रीजन पे होगा ये आप बिना बोले इजीली बता सकते हैं। मगर एक है टकले का टुकड़ा किसी भी हालत में काय पे नहीं होगा, होमोलॉगस पे नहीं होगा, नहीं तो लड़कियां टकली रहती थी। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? ये कंडीशन बेटा, इसी के ऊपर तो आप आगे जीन का मैपिंग करेंगे, और इसीलिए तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर माने तो आपको इसका डिफरेंस पूछा है, तो क्या है, एक्स क्रोमोसोम ये दोनों में रहता है, इट इज प्रेजेंट इन मेल एज वेल एज इन फीमेल, वाई प्रेजेंट ओनली इन मेल, इन एक्स क्रोमोसोम नॉन होमोलॉगस रीजन इज स्ट्रेट, वाइल इन वाई क्रोमोसोम नॉन होमोलॉगस रीजन इज बेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमेटिन है, इसीलिए जेनेटिकली मोर एक्टिव है कौन, एक्स क्रोमोसोम, मोर अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन है, ज्यादा कंडेंस पैक है, क्लियर हुआ क्या, इसीलिए ये जेनेटिकली लेस एक्टिव है, माने तो कम एक्टिव है, यही कारण की वजह से अगर दो एक्स आ गए और उसके बाद वाई आया तो एक्स एक्स वाई आता है, दो एक्स इसको इफेक्ट करने देते नहीं क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं है, कमजोर गिरता है, दो एक एक्स के सामने अपनी ताकत बता देते मगर दूसरे एक्स के सामने बताता नहीं, वो जो बीच में के या न्यूट्रल जेंडर वाले लोग रहते हैं उसके बारे में बताए। अब आपको और भी इसके कैरेक्टर, जैसे मैंने एक कंसेप्ट एक डिफरेंस बताया प्रेजेंट इन मेल एज वेल एज फीमेल, ऐसे और भी आपको डिफरेंस निकाल के बतानी है, मैं कोई निकाल के दी नहीं, क्लियर हुआ क्या, आज के लिए काफी हो गया है, ठीक है। अब आपने अगले इसमें एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि इसका फोटोग्राफ रहेगा ये एक बार नहीं दो बार तीन बार, इसको प्लीज अच्छी तरह से लर्न करो क्योंकि इसी चैप्टर के ऊपर मैं तो अभी एक ईट रख रहा हूं बेटा, पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है जिनकी बिल्डिंग ही खड़ी नहीं होंगी अगर आपको ये समझ में नहीं आया, मैं ये डबल रिपीट करूंगा और जिन में मैं इसमें पढ़ाऊंगा नहीं, जिनमें मैं एक्सपेक्टेड करूंगा, मैं आपको पूछूंगा कि मैंने क्रोमेटिन कैसा बनाया बताया है, वो अगर नहीं आए तो आपको प्रॉब्लम रहे क्योंकि आपको समझेगा नहीं, तो फिर जिसको मेंडल समझ में आए उसको समझ में आता है कि सच्ची में अलग अलग कैसे होते, जिसको मेंडल समझ में आया उसको समझ में आता है कि दो एक साथ आते कैसे है, नहीं तो वही समझ में नहीं आएगा, तो ये आगे का बिना वजह का है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब कौन कंट्रोल करता है ये मालूम हो गया, मेंडल ने तो कुछ तो भी ऐसा बोला था, अब तो मालूम हो गया कि वो धागे है उसके ऊपर ये सब कुछ है, क्योंकि ये वर्ल्डिया सुटन बोरी के बाद ये क्लियर हो गया कि धागों के ऊपर है जिसका नाम हमने क्रोमोसोम रखा। आज मैंने सिर्फ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात बता दी, ठीक है।